पानेसरा रचना खाड़ी ब्रिज पासे लूटना इरादे एक मजूर पर जीवलेण हुमलो करायो छे। पोलीसे अतुल सुनील पांडे अने नीरज संजय दुबे एम बे आरोपीनी धरपकड़ करी छे। पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में जीआईडीसी एरिया में भाविन मिल के पास रात को 10:30 बजे के आसपास दो लड़कों ने एक आदमी को चाकू मार दिया था। बाद में आसपास से गुजरने वाले लोगों ने 108 बुला के उसको सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया, जहां पे उसकी स्थिति गंभीर है। उसकी एक सर्जरी हुई है और उसके बगल में चाकू का घाव है, वहां उसका इलाज चल रहा है। जो भोग बन्नार है उसका नाम रवि प्रजापति है, मूल रूप से मिर्जापुर यूपी का रहने वाला है और अभी पांडेसरा में रहता है और एक कपड़े की मिल में काम करता है। वहां आसपास के सीसीटीवी देखने के बाद में और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे जो आरोपी चाकू मारने वाले थे उन दो आरोपियों को अटक किया गया। आरोपियों का नाम अतुल उर्फे शिवम सुनील पांडे, ये आविर्भाव सोसाइटी पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी नीरज उर्फे गोलू संजय भाई दुबे, ये अभी पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनमें से जो अतुल है उसके ऊपर ऑलरेडी एक चोरी का गुनाह है, तो इसका फोटो जब देखा तो बाद में पुलिस के रिकॉर्ड में और बातमीदारों से बात की तो इसकी पहचान की गई और बाद में दोनों को पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है। और चाकू, जिस चाकू से मारा था वो चाकू रिकवर कर लिया गया है और आगे की तपास चालू है। अभी तक की पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो मोबाइल छीन रहे थे उससे और वो जो रवि है उसने विरोध किया तो इन लोगों ने उसको चाकू मार दिया। मोबाइल लूट के इरादे से ये लोग वहां पे गए थे। सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि काफी देर तक ये लोग वहां खड़े रहे। दो आदमी अगर वहां से निकल रहे हैं तो उन पे ये हमला नहीं करते थे, अकेले आदमी का इन्होंने वेट किया और रवि वहां से अकेला निकला तो अकेला देख के उस पर इन्होंने हमला कर दिया।